नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक छोटे से नगर पंचायत में जो कि लखनऊ जिले में लखनऊ के पास में ही स्थित है। वास्तव में यह शहर का छोटा सा कस्बा है, लेकिन यह कस्बा इतिहास में उतनी ही बड़ी हैसियत रखता है। यह कस्बा शहर के सभी मार्गों से पूर्णतः जुड़ा हुआ है। यह काकोरी कस्बा लखनऊ के उत्तर में राजधानी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। काकोरी में रेलवे स्टेशन भी है जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है। यह कस्बा पुराने समय से ही अपनी कुछ चीज़ों के लिए अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। जैसे कि अगर बात करें उर्दू कविताएं, साहित्य व कादरिया कालंदरी, सूफी ऑर्डर आदि चीज़ों के लिए भी यह शहर जाना जाता है। ऐतिहासिक जगह होने के नाते यहाँ पर बहुत सी मूवीज की शूटिंग भी हुई है, जैसे कि जुनून, उमराव जान, अनवर और भी इसी तरह की मूवीज यहाँ पर शूट हो चुकी हैं। यहीं पर स्थित है बेता नदी का पुल व शिव मंदिर, जिसका निर्माण आसफुद्दौला के शासनकाल में उनके प्रधानमंत्री राजा टिक्कैत द्वारा कराया गया था। नवाबी काल के इस पूर्णता विकसित मंदिर का निर्माण लखौरी ईंटों से किया गया है, जिस पर चूने के मसाले से पलस्तर तथा अलंकरण किया गया है। लगभग 20,000 की आबादी वाला यह कस्बा हर तरह की जरूरतमंदों की चीजों से परिपूर्ण है। चलिए बात कर लेते हैं 9 अगस्त 1925 की। यह वही दिन है जिसने काकोरी को इतिहास में एक अलग पहचान दी। 9 अगस्त 1925 को रात 2:42 के आसपास सहारनपुर पैसेंजर सामान्य रूप से जा रही थी, लेकिन काकोरी रेलवे लाइन पर इसे रुकवा कर इस पर अंग्रेजों द्वारा रखे गए खजाने को हमारे महान देश के जज्बे से भरे हुए महान क्रांतिकारियों ने इस खजाने को लूट लिया। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्ला खां व चंद्रशेखर आजाद जी जैसे कई अन्य महान क्रांतिकारी शामिल थे। लगभग 8,000 रुपए के आसपास के इस खजाने को लूटने का उद्देश्य हथियारों को खरीद कर अंग्रेजों से लड़ना और अपने देश को आज़ाद कराना था। पकड़े जाने पर महान क्रांतिकारियों को फांसी हुई, लेकिन आजाद जी को अंग्रेज पकड़ने में असफल रहे। यहाँ पर क्रांतिकारियों की स्मृति में एक गेट का निर्माण कराया गया व सभी क्रांतिकारियों के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पर इन्हें क्रांतिवीर के नाम से चिन्हित किया गया है। यहीं पर बाजनगर में क्रांतिवीरों के याद में काकोरी शहीद स्मारक का निर्माण करवाया गया है, जो कि पूरे काकोरी हत्याकांड और शहीद क्रांतिकारियों की यादों को संजोए हुए है।